नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल रैपिड टाटा स्टील का खिताब जो था वो निहाल सरीन ने जीता, लेकिन अंतिम राउंड में निहाल सरीन को हरा करके अर्जुन इरगासी दूसरे स्थान पर रहे। अर्जुन इरगासी पिछले बार ये टूर्नामेंट के विजेता भी रहे थे, लेकिन पिछले बार से इस बार ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा टफ था और बहुत बड़े खिलाड़ी जो है इस बार, ज्यादा बड़े नाम आप कह सकते हो कि इस टूर्नामेंट में थे, और उसमें सबसे बड़ा नाम था हिकारू नाकामुरा का। हिकारू नाकामुरा जिन्हें स्पीड किंग भी कहा जाता है, और नॉर्मली जो है उनको मैच करना स्पीड के मामले में, स्पीड के फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अर्जुन ने यहां पर हिकारू नाकामुरा के खिलाफ बहुत ही एक कमाल का गेम खेला। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मैच को एनालाइज करके मैं और पहले रखने वाला था, लेकिन इस मैच को समझने में मुझे ही काफी वक्त लग गया, क्योंकि ये बहुत ही एक, जिसको आप कह सकते हैं कि बोर्ड में पूरे समय इसमें आग ही लगी हुई थी। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को, और वाकई ये मुकाबला जो है आपको मजा आएगा जैसे ये मुकाबला आप पूरी तरह से देख लेंगे, तो अंत तक जो है बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन हिंदी के वीडियोस को पहुंचाइए। तो आइए शुरू करते हैं मुकाबला। यहाँ पर नाकामुरा जो थे वो सफेद मोरों से खेल रहे थे और अर्जुन जो है वो काले मोरों से मुकाबला खेल रहे थे। शुरुआत होती है नाइट F3 से, अर्जुन ने खेला D5, यहाँ पर E3, सो नाइट F6, C4 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, तो यहाँ पर E6, और एक्चुअली में QGD में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट C3, बिशप D6, D4, तो QGD में आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोज खेला है, E3 सेटअप खेला हुआ है यहाँ पर नाकामुरा ने, बिशप को पहले बाहर नहीं निकाला है, बिशप G5 वगैरह से जो निकालते हैं या बिशप F4 से, और इसी तरह ब्लैक का जो बिशप है वो D6 पे इंस्टेड ऑफ E7 हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। तो यहाँ पर अब अर्जुन खेलते हैं B6, तो एक्सचेंज वेरिएशन की तरफ जाते हैं नाकामुरा, C D5, E D5, बिशप D3, तो डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल सही अंदाज में दोनों साइड से आगे बढ़ता हुआ, अर्जुन ने कैसल कर लिया, और यहाँ पर नाकामुरा एक चाल खेलते हैं बिशप D2, जो एक्चुअली में बहुत ही रेयर खेली गई है, मतलब अगर आप टॉप लेवल पे तो कोई गेम खेले ही नहीं गया, और डाटा बेस में आपको सिर्फ 3 गेम मिलेंगे इस गेम के अलावा। तो मैं यहाँ पर अर्जुन इरगासी इमीडिएटली जो है वो सेंटर को जो है वो चैलेंज करते हैं, और अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं C5, और इसके बाद ये पोजीशन एकदम नई पोजीशन है, मतलब ओपनिंग की 8वीं चाल के बाद एकदम फ्रेश पोजीशन है, ये पोजीशन इससे पहले कभी खेली नहीं गई है, तो यहाँ के बाद जो है वो खिलाड़ियों की क्रिएटिविटी है। ओके, अब यहाँ पर अर्जुन नाकामुरा जवाब देते हैं D C5 B C5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो पॉन है अर्जुन इरगासी के पास, और ये जो दो पॉन है यहाँ पर आगे 4 स्क्वायर इंपॉर्टेंट कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो दो पॉन है हैंगिंग पॉन है, मतलब इन पे किसी का सपोर्ट जो है पॉन का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला पहले तो नाकामुरा ने बोला पहले तो कैसल कर लेते हैं, तो अर्जुन ने यहाँ पे खेला नाइट C6, अपना एक और पीस बाहर निकाला। तो यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं H3। अब H3 का आइडिया ये है कि एक तो ये बिशप G4 वगैरह आप स्टॉप कर रहे हो, दूसरा नाइट G4 नाइट E5 का अगर कोई आइडिया है तो उसको स्टॉप किया जा सकता है, E4 भी खेला जा सकता था यहाँ पे, तो E4 पे D4 आता, लेकिन नाइट D5 H6 B4 इस तरह से भी मैच हो सकता था, ये भी एक तरीका था। खैर, यहाँ पर नाकामुरा ने H3 खेला तो अर्जुन ने जवाब दिया H6। अब नाकामुरा खेलते हैं रुक C1, और एक तरह से बोलते हैं कि अब मैं धीरे धीरे जो है आपकी इस पॉन पर प्रेशर जो है वो बढ़ाने जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने पहले तो खेला बिशप E6, अपना आखिरी पीस डेवलप किया, और जैसे ही नाइट E2 यहाँ पे खेला, तो अब आप नाइट E2 पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, नाइट D4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, F4 आ सकता है, G3 को कंट्रोल कर रहा है, और रुक से जो है वो सी वाली पॉन पे प्रेशर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अर्जुन जो डिफेंड करते हैं उनका अलग एक अंदाज है, अर्जुन खेलते हैं नाइट E4, मतलब एक पीस को एक्टिवली ऊपर करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस पॉन पे एक तो सपोर्ट लगा दिया, और अगर आप बिशप देखना चाहते हो तो दे सकते हो, मेरा पॉन जो है वो पहुंच जाएगा यहाँ पर E4 में, मतलब मेरा पॉन अकेला रह जाएगा C5 पे, लेकिन मेरा एक पॉन E4 के इंपॉर्टेंट स्क्वायर पे पहुंच जाएगा और आपको अपना बिशप देना पड़ेगा। तो खैर, नाकामुरा यहाँ पे खेलते हैं A3। अब उनका आइडिया है B4 खेल के ये जो सेंटर का एक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा जाए। ओके, सो यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं क्वीन B6 और B2 के पॉन पर अटैक करते हैं अभी। तो नाकामुरा जो है B2 का पॉन बचाते नहीं है, वो नाइट C3 खेलते हैं। उनका आइडिया ये है कि अगर आप क्वीन इंटू B2 जाओगे तो वो यहाँ पे खेलेंगे बिशप इंटू E4, पॉन इंटू E4, नाइट इंटू E4, तो उन्होंने यहाँ से पॉन रिकवर कर लिया, और फिलहाल आप ये पॉन को नहीं मार सकते क्योंकि अभी तो आपका बिशप जो है वो मर रहा है।
ये एक वेरिएशन था। तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं पहले B2 नहीं मारूंगा, पहले नाइट इंटू D2 ही मार देता हूँ। तो नाइट इंटू D2, क्वीन इंटू D2 से B2 पे सपोर्ट आ गया यहाँ पे। और अब अर्जुन यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये हैंगिंग पॉन के स्ट्रक्चर को लेके वो ज़्यादा देर जो है वो नहीं रह सकते, तो वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो C4 बढ़ेंगे। बिशप जाता है B1 पे, और आप देखो कि D5 थोड़ा सा वीक दिख रहा है, एक्चुअली में एक्सपोज हो गया है, बैकवर्ड पॉन है, D4 का एक स्क्वायर पे गड्ढा यहाँ पे बन गया है। लेकिन नाइट D4 खेलेंगे तो नाइट D4 आ जाएगा, क्वीन D4 खेलेंगे तो क्वीन इंटू D4 आ जाएगा, तो वो वैसे भी पूरा जो ये जो D5 का वीकनेस है वो ढक जाएगा। उनका बराबर कैलकुलेशन था। तो यहां पर उन्होंने खेला रुक F D8। अभी क्या है, अभी नाइट आप इस पे जो है नाइट D5 वगैरह जो है आप आ नहीं सकते, क्योंकि BD5 क्वीन D5 के बाद डिस्कवर्ड चेक यहाँ पे लगा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे खेला, नाकामुरा ने यहाँ पे एक और अटैक बढ़ाया, रुक F D1 खेला, बट स्टिल D5 जो है वो अनटचेबल है, अभी छू नहीं सकते अभी आप उसको। अर्जुन ने रुक B8 खेला और B2 पे एक और प्रेशर बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं नाइट A4, अर्जुन जाते हैं क्वीन B7, और नाकामुरा यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि ये जो बिशप है इसकी जगह एक्चुअली में हाथी को होना चाहिए, ताकि वो यहाँ से बी पॉन से बी फाइल से कुछ कर सकें। तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी चाल खेलते हैं, बिशप C2 यहाँ पे खेलते हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन को एहसास हो जाता है कि भैया इधर तो दाल नहीं गलने वाली है, नाइट से बराबर सपोर्ट है, कुछ हो नहीं रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं सडनली जो है वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे ज्यादा पीसेस इकट्ठे हो चुके हैं सेंटर पे, मतलब 6 में से 5 पीसेस इस तरफ हैं। तो अर्जुन अपने क्वीन को जो है वो किंग साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब उनका आइडिया है क्वीन F6 जाके किंग साइड अटैक करना। तो खैर नाकामुरा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, पहले रुक के B1, रुक B1 सॉरी, और यहाँ पर अर्जुन आ जाते हैं क्वीन F6। अब बिशप इंटू H3 की थ्रेट है, आप देख सकते हो पॉन से मारेंगे तो फिर क्वीन इंटू F3 आ रहा है। तो नाकामुरा को भी खेलना पड़ता है क्वीन E2, और अब अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं G6। अब ये G6 इंपॉर्टेंट इसीलिए कि अर्जुन इस पोजीशन को लेके खुश हैं, जो पोजीशन है उनकी, जो पीसेस रखे हुए हैं, और वो फ्यूचर में चाहते हैं जरूरत पड़ेगा किंग G7 आएगा, और जरूरत पड़ेगा तो ये एच पॉन का इस्तेमाल, एच फाइल वगैरह का इस्तेमाल, रुक जो है इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो रुक D2, तो यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया किंग G7, और अब वो खेलते हैं क्वीन D1, और अब D5 पे जो है वो एक रियल प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब अर्जुन को लगा कि भाई अब तो पॉन को बचाना ही पड़ेगा, तो वो बिशप C7 खींचते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पर नाइट C5 आते हैं नाकामुरा, तो अर्जुन बोलते हैं भैया दूसरा बिशप भी बचा लेते हैं, और उस बिशप को भी लेके बिशप C8 चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर रुक D5 आ सकता था, बट ये बहुत ही मतलब इसमें ब्लैक को भी प्ले मिलता, कैसे, रुक इंटू B2 आता, रुक इंटू D8 सो रुक इंटू B1, क्वीन इंटू B1 सो क्वीन इंटू D8, नाइट E4, और ये एक्चुअली में दोनों साइड चांसेस हैं। और शायद नाकामुरा इसको अवॉइड कर रहे थे कि अर्जुन को ज्यादा प्ले ना मिले, और वो मतलब कम प्ले देके धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है। तो B4 खेला उन्होंने यहाँ पे, रुक D5 नहीं मारा, अर्जुन ने यहाँ पे खेला नाइट E5, और अब वो F3 के नाइट को फोर्स कर रहे हैं कि एक्सचेंज करो वरना हम मार देंगे, नहीं तो और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर नाकामुरा ने उसको ही पीछे हटा लिया, नाइट E1। तो अब अर्जुन ने खेला क्वीन D6, पॉन को डिफेंड किया, यहाँ पर नाइट A4 गए, शायद नाइट E4 जा सकते थे, नाइट E4 क्वीन C6 ये बेटर था, क्योंकि क्वीन का यहाँ रहना थोड़ा सा डेंजर है, आप देख सकते हो कि सीधा यहाँ तक पहुंच बन सकती है जैसे ये नाइट अलग होगा, तो शायद इसको हटाना ज्यादा बेहतर होता। खैर नाकामुरा नाइट A4 गए, तो अब यहाँ पर अर्जुन को मौका मिला, तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है भाई हमारा स्ट्रक्चर को तो आप नहीं छू पाए, लेकिन आपके स्ट्रक्चर को हम छू सकते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे खेला A5, अब वो चाहते हैं स्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाए। अच्छा इस पोजीशन तक आते आते ना, ये जो वाइट के रुक थे वो बड़ी गंदी पोजीशन में, मतलब कुछ नहीं कर रहा था कोई भी, ये D2 पे बहुत ही फंसा हुआ था, और ब्लैक के पीसेज जो है वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे बोर्ड के सेंटर से भी, और कोऑर्डिनेटेड थे, मतलब अभी जैसे इस क्वीन को देखो कुछ नहीं कर रहा, कंपेयर टू ये क्वीन के पास कितना जबरदस्त थ्रेट अवेलेबल है। तो खैर B5 किया यहाँ पे नाकामुरा ने, तो अब यहाँ पर बिशप E6 जो है वो वापस आ गए अर्जुन, और सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ पर F4 खेला, और जैसे F4 वगैरह खेला, ये क्लियर हो रहा था कि नाकामुरा पोजीशन के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ समझौता कर रहे हैं, जबकि अर्जुन का जो स्ट्रक्चर था इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन नाकामुरा का जो स्ट्रक्चर है इसको डैमेज होने वाला था फ्यूचर में। नाइट D7 खेला अर्जुन ने यहाँ पे, और सॉरी नाइट D7, तो नाइट F3 आया। अच्छा यहाँ पे क्वीन C1 करके बचा सकते थे A3 का पॉन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन बहुत ही खराब होता जा रहा था नाकामुरा के लिए, हिसाब से नाकामुरा जैसे प्लेयर वैसे ही उनका पोजीशन खराब है, क्वीन कम से कम यहां से कभी ना कभी एक्टिव हो सकता था,
बट C1 बहुत ही खराब स्क्वायर हो जाता क्वीन के लिए, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नाइट F3 खेला उन्होंने, अर्जुन ने क्वीन A3 यहाँ पे एक पॉन मार लिया। अब पॉन अप हो गए थे अर्जुन, क्वीन E1 गए, वो किंग साइड कुछ करना चाहते थे। अब यहाँ पर अर्जुन आ गया नाइट B6, बोले भाई एक्सचेंज करो पीसेस को। रुक A1 खेला यहाँ पर, तो क्वीन E7 आ गए, नाइट C3 हट गया, एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे थे। तो अर्जुन ने बोला ठीक है भाई, पॉन तो एक्स्ट्रा है अपना, पासर को सपोर्ट लगा देते हैं। रुके तो अब नाकामुरा बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना टाइम कम है, उनको लग रहा है कुछ मिल नहीं रहा है गेम में, तो उन्होंने F5 एक और पॉन सेक मारा। अर्जुन ने बोला खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट E2 आया, वो पूरा जोर लगा रहे थे कि कहीं से तो कुछ जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए, कहीं से तो कुछ प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। ओके, और अर्जुन यहाँ तक दो पॉन खा चुके थे। अर्जुन ने पहले खेला बिशप D7 और B5 के पॉन पे अटैक कर दिया, नाइट DE4 आया यहाँ पे। सो अब अर्जुन ने यहाँ पे F4 खेल के वो पॉन जो है वो वापस ऑफर किया कि भाई आप ले लीजिए। तो उन्होंने खेला यहाँ पर E4, पॉन को ऐसे नहीं मारा। तो अर्जुन ने खेला Rook E8, Rook E2 आए, तो अब अर्जुन ने खेला D into E4, Bishop E4 आए, तो अब Rook D8 जो है वो हटाना पड़ा, हटा लिया। Rook into A5, एक पॉन वापस यहाँ पे मिला, बट Queen F6 खेला यहाँ पर। अब थ्रेट क्या लगा दी, इस नाइट के ऊपर थ्रेट है, जैसे ये बिशप हटेगा उसके बाद जो है इस नाइट के ऊपर थ्रेट है। यहाँ पर नाकामुरा ने खेला Rook A6, King H1 शायद बेटर होता, Rook A6 खेला, और यहाँ पर अर्जुन की चाल लग गई, उन्होंने आ गए बिशप पीछे आ गए। प्रॉब्लम यह है कि वो एक रुक देके दो नाइट मार देंगे, या तो अगर मान लीजिए Rook A7 वगैरह खेलेंगे तो Bishop B8 Rook A1 और फिर यही Rook D4 Queen D4 ये ऑप्शन है, और ये ब्लैक के लिए विनिंग है। तो उन्होंने यहाँ पे ना एक्सचेंज देने के लिए तैयार थे, वो Queen A1 खेला। उनका आइडिया था कि आप मारो तो मेरा एक पॉश पॉन क्रिएट हो। अर्जुन ने बोला अभी नहीं मारूंगा, अर्जुन ने पहले किंग को हटा लिया G8 पे। यहाँ पे Bishop A6 मारते तो इस तरह से Knight F6 Knight F5 चेक आती, अभी आप किंग को G6 खेलना पड़ेगा, और फिर ये इस तरह से जो है वो रिपीटेशन जो है मूव का हो सकता है, ड्रॉ मैच खेला जा सकता था। तो इसीलिए अर्जुन ने पहले ही जो है प्रोफिलेक्सिस खेलते हुए किंग को G8 पे ले लिया। अब Knight C6 खेला उन्होंने और रुक पर अटैक किया। तो अर्जुन ने पहले क्वीन एक्सचेंज किया, Queen A1 Rook A1 और फिर खेल दिया Rook D6 Rook A7 आए यहाँ पे, सो नाउ Rook D1 चेक दिया, King H2 आए, तो यहाँ पर खेल दिया Bishop D6, सब सेफ था और पूरी तरह से बाजी जो थी वो अर्जुन के नियंत्रण में थी। यहाँ पे एक ही पॉन अप थे यहाँ तक, लेकिन पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, पीसेस काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और वाइट के पीसेस का मेन प्रॉब्लम था कोऑर्डिनेशन। और अभी देखिए ये भी अभी तक ये पिन नहीं था। खैर यहाँ पे Knight C E5 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, नाइट को वापस लेके गए, तो अर्जुन ने यहाँ पे मार दिया Bishop E5। इनका आइडिया था Bishop C6, तो ये जो उन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे एक थ्रेड लगाया Bishop C6, Rook E6 बचा लिया, यहाँ पे Knight E5 से पीस वापस मिला। बट यहाँ पर अर्जुन के पास यहाँ तक एक मूव आ गया था, वो था C3 पॉन पुश हुआ। अब Rook D2 का भी थ्रेट है, Bishop F3 गए वापस, तो यहाँ पे Rook D2 खेला अर्जुन ने, Rook E4 आया यहाँ पे। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे अर्जुन से मिस हो गया। अर्जुन यहाँ पे अगर C2 खेल देते तो Rook C7 Bishop B7 ब्रिलियंट मूव आता, आप मारोगे तो क्वीन बन रहा है। सो Rook F4 तो Rook E5 और Bishop B7, ये इस तरह से एक वेरिएशन आता Rook D7 और Rook C2 के बाद आप देखें कि एक फुल जो है पीस जो है वो ब्लैक को मिल जाता। तो खैर उन्होंने यहाँ पे Knight D5 खेला अर्जुन ने, और ये एक ब्लंडर थी, और एनालिसिस से पता लगता है कि यहाँ पे Rook C4 खेलते या Rook8 खेलते, Knight B6 Rook A3 या यहाँ पे ना Rook C4 खेलते, वाइट शायद ये मैच बचा सकता था। लेकिन बहुत ही क्रूशल था टाइम, सेकंड्स में दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे, ये बाद में कंप्यूटर एनालिसिस में सब दिख जाता है लेकिन बोर्ड पर ये सब नहीं दिखता है भैया। तो वही हुआ, उन्होंने Knight F7 मार दिया, उनको लगा कि शायद ड्रॉ हो सकता है। अब जैसे कैसे उनको लगा कि ड्रॉ हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि Knight F7 पे अगर मान लो अर्जुन बोले कि चलो C2 पॉन बढ़ता हूँ, क्वीन बनाता हूँ, तो दरअसल वो क्या होगा कि Knight H6 चेक आएगा, King H8, सो Knight F7 चेक, तो या तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, और अगर King F8 गए तो Rook C4 के बाद वाइट विनिंग हो जाएगा क्योंकि Knight E7 के बाद Rook into F4। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे C2 जो है वो ब्लंडर था, पर अर्जुन ने बिल्कुल सही चाल ढूंढी यहाँ पे, और जैसे ही उन्होंने Knight F7 मारा, अर्जुन ने Rook into E4 एक्सचेंज कर दिया, और ये मिस हो गया एक्चुअली नाकामुरा से। Bishop E4 के बाद जैसे ही पॉन C2 पुश किया, आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, आप रोक ही नहीं सकते, या तो आप दे दीजिए ऊँट को, तो मैच लॉस जा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने Knight D6 खेला, बट क्वीन बना लिया यहाँ पे अर्जुन ने, Bishop F7 चेक दिया, बट King H8 के बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया उन्होंने, और इसके बाद जो है मैच जो है वो यहाँ पर अर्जुन के पक्ष में गया। तो एक बेहतरीन मैच था, बहुत ही वाइब्रेंट मैच था, मेरे को खुद समझने में काफ़ी वक्त लग गया इस मैच को, मतलब एक एक चीज़ देखना था क्योंकि बोर्ड के हर हिस्से पे कुछ कुछ हो रहा था,
और प्लान समझना इतना आसान नहीं हो रहा था दोनों प्लेयर के, तो कमाल की शतरंज खेली दोनों खिलाड़ियों ने। और अर्जुन के लिए ये एक मेरे ख्याल से उनके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विन है, नाकामुरा से ऑन द बोर्ड जीतना अपने आप में जो है वो मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।